Hey guys, welcome back to the channel Navya Educator, and we are back with another video. This is course 3.0 and this is advanced level English course, guys. This is 8th class of your English course, right? So we are in class 8 टुडे सो आज की जो क्लास है अच्छी होने वाली है, बट उससे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ. वन ऑफ माई स्टूडेंट आस्क्ड मी के सर आप क्लासेस को रिपीट क्यों कर रहे हो, एक चीज़ जो आपने सिखा दी है उसे अगेन एंड अगेन क्यों सिखा रहे हो. सो गाइज आई हैव टोल्ड यू कि 1.0 के बाद आप 2.0 देखो, 2.0 के बाद 3.0 देखो, 3.0 हो जाएगा फिर 4.0 देखना और फिर 5.0 तक देखना बेसिक्स का. उसके बाद एडवांस कोर्स आएगा 1.0, 2.0, 3.0, फिर आपकी मर्जी जो आप चाहो. सो गाइज ये आपका प्रोसीजर है ना गाइज. अगर मेरे पास और बच्चे आ रहे हैं एंड दे आर आस्किंग कि सर प्लीज़ री स्टार्ट अनदर कोर्स, तो मैं एक नया बैच शुरू करूँगा गाइज. सो आई एम नॉट सेइंग यू टू वॉच दोज वीडियोज़. आपको ये बैच ज्वाइन करना है, ठीक है. आपको ये वीडियोज़ कंटिन्यू करनी है, ठीक है. कभी आप कंफ्यूज मत हो यार, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर क्लास 8. और आज की क्लास ज़्यादा भारी नहीं है, सिर्फ मजबूरी की बात हो रही है आज की क्लास में. आज हम बात करेंगे मजबूरी की. मुझे ऐसा करना पड़ता है, उसे ऐसा करना पड़ता है, हमें ऐसा करना पड़ता है, या तुमको करना पड़ता है, तुमको क्यों करना पड़ता है, तुमको किस लिए करना पड़ता है, क्या तुमको ऐसा करना पड़ता है ये. सो अभी मैं जो चार्ट लिखूंगा हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, वो इसलिए क्योंकि आपने मेरा 1.0 2.0 कोर्स नहीं देखा है. तो पहले उसे देखना फिर ये ज्वाइन करना. सो गाइज टुडे वी आर इन द क्लास 8. और अगर सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ता है तो हम बोलेंगे सब्जेक्ट हैज़ या फिर हैव टू डू दिस. सब्जेक्ट हैज़ टू या हैव टू डू दिस. अगर नहीं करना पड़ता तो सब्जेक्ट डोंट या फिर डजेंट हैव टू डू दिस, राइट. और अगर क्वेश्चन पूछना है तो हम पूछेंगे डू और डज द सब्जेक्ट हैव टू डू दिस. और अगर क्वेश्चन पूछना है कि कहाँ करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, तो द क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज सब्जेक्ट हैव टू डू दिस, राइट. सो ये एक चार्ट है जो कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अगर आपने मेरा 1.0 2.0 कोर्स नहीं देखा है तो, ठीक है. आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है. सो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए. सो गाइज पहला सेंटेंस आपके लिए पेश है. मुझे अपनी मम्मी से बात करनी पड़ती है. आई हैव टू टॉक विद माई मदर. मेरी मम्मी को मंदिर जाना पड़ता है. My mother has to go to temple. उसको हमारे साथ घर आना पड़ता है. She has to come to our place. हम सबको रोज खाना खाना पड़ता है. We all have to eat food every day. तुम्हें रोज इंग्लिश बोलनी पड़ती है. यू हैव टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे. हमें रोज नहाना पड़ता है. वी हैव टू टेक बाथ एवरी डे. मेरी मम्मी को रोज कपड़े धोने पड़ते हैं. माई मदर हैज टू वॉश क्लोथ एवरी डे. उसे रोज याद करना पड़ता है. She has to learn every day. हमें उसको बताना पड़ता है. We have to tell him. हमें रोज मंदिर जाना पड़ता है. We have to go to temple. मेरे पापा को रोज अखबार बेचने पड़ते हैं. My father has to selling newspapers. Sell newspaper. Oh sorry, sell newspaper. ठीक है. Okay. तुम्हें रोज मेकअप करना पड़ता है. You have to apply makeup. हमें रोज आपकी वीडियो देखनी पड़ती है. We have to watch your video every day. हमें आपकी वीडियोस शेयर करनी पड़ती है. We have to share your video. मेरी बहन को स्कूल जाना नहीं पड़ता. My sister has not go to school. My sister doesn't have to go to school. My sister doesn't have to go to school. तुम्हें मुझसे पूछना पड़ता है. You have to ask me. Right? अभी हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, ठीक है? Don't have to या doesn't have to, right? मेरे पापा को भागना नहीं पड़ता. My father doesn't have to run. हमें भागना पड़ता है. But we have to run. मेरे पापा को जिम नहीं जाना पड़ता. My father doesn't go to gym. मेरे पापा जिम नहीं जाते. My father does. So my father doesn't go to gym का मतलब है मेरे पापा जाते नहीं हैं जिम. So ये बात आपको ध्यान ही रखनी है कि आप भूल क्या रहे हो, ठीक है? Have to या has to is मजबूरी सॉरी, ठीक है? तुम्हें बर्तन धोने पड़ते हैं. You have to do the dishes. उसको हमारे घर आना पड़ता है. He has to come our place. He has to come to our place. जहाँ पर कोई आदमी अकेला है तो वहाँ पर has to use होगा. रिकॉर्ड है इसमें. नाई को बाल काटने पड़ते हैं. Barber has to cut hair. ठीक है, समझ में आ रहा ना? हमें रोज शूज़ पहनने पड़ते हैं. We have to put on shoe every day. तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी पड़ती. You don't have to talk to me. तुम्हें रोज स्कूल जाना नहीं पड़ता. You don't have to go to school every day. सर्दियों में हमें कपड़े उतारने नहीं पड़ते. We don't have to take off our clothes in winter. गर्मियों में मुझे गर्म पानी नहीं पीना पड़ता. I don't have to drink warm water in summers. तुम्हें हमसे कुछ नहीं पूछना पड़ता. You don't have to ask anything to us. ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं? सेंटेंसेस की लेंथ को बढ़ा देंगे, इंक्रीज करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव को साथ बोलेंगे ताकि ऐसा लगे कि हाँ एक ज़बरदस्त हमने एक लाइन बोली है, ठीक है? उसे हमसे पूछना पड़ता है लेकिन हमें बताना नहीं पड़ता. उसे हमसे पूछना पड़ता है लेकिन हमें बताना नहीं पड़ता. He has to ask us, but we don't have to tell her. हमें मंदिर जाना पड़ता है लेकिन पूजा करनी नहीं पड़ती. We have to go to temple, but we don't have to worship. मम्मी को खाना बनाना पड़ता है लेकिन खाना नहीं पड़ता. Mummy has to prepare food, but she doesn't have to eat. तुम्हें वीडियो देखनी पड़ती है लेकिन बनानी नहीं पड़ती. You have to watch video, but you don't have to make video. उसको हमसे पूछना पड़ता है, हमें बताना नहीं पड़ता. उसको हमसे पूछना पड़ता है बट हमें बताना नहीं पड़ता. He has to ask us, but we don't have to ask him. हर लड़की है, अच्छा, ठीक है? तो अब आप समझ लीजिए, इतना हमने किया है. अब मेन चीज़ आ रही है क्वेश्चन. क्वेश्चन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है टास्क, ठीक है? तो अब हम पहले उसे करते हैं, ठीक है? लेट्स गेट स्टार्टेड. Do does subject have to do? Yes. Right? क्या आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है? Do you have to speak English? हाँ, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है. Yes, I have to speak English. नहीं, मैं मजाक कर रहा था, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती. No, I was kidding. I don't have to speak English. क्या आपको मम्मी के पैर छूने पड़ते हैं? Do you touch feet? Do you have to touch feet to your mother? Of your mother. Of your mother. हाँ, मुझे अपनी मम्मी के पैर छूने पड़ते हैं. Yes, I have to feet of my mother. Touch. I have to touch the feet of my mother. ठीक है. क्या तुम्हें वेटर से पूछना पड़ता है? क्या तुम्हें वेटर से पूछना पड़ता है? Do you have to ask to waiter? क्या तुम्हें कार चलानी पड़ती है? Do you have to drive car? क्या तुम्हें बोर्ड पर लिखना पड़ता है? Do you have to write on the board? क्या तुम्हें सोचना पड़ता है? Do you have to think? क्या तुम्हें हमसे बात करनी पड़ती है? Do you have to talk to us? क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है? Do you have to go to school? क्या तुम्हें कपड़े पहनने पड़ते हैं? Do you have to put on clothes? क्या तुम्हें गाड़ियाँ धोनी पड़ती हैं? Do you have to wash cars? क्या तुम्हें कभी-कभी भौंकना पड़ता है? Do you have to bark sometimes? क्या तुम्हें उसके साथ जाना पड़ता है? Do you have to go with her? क्या तुम्हें कभी-कभी माफ करना पड़ता है? Do you have to forgive sometimes? क्या तुम्हारी मम्मी को बर्तन धोने पड़ते हैं? Does your mother do the dishes? Does your mother have to do the dishes? क्या तुम्हारी बहन को ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है? Does your sister have to go to market? Beauty parlor. क्या तुम्हें सोचना पड़ता है? Do you have to think? Right. तो अभी तक हमने एक नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे और अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस वर्ड की, जैसे WH टाइप हो रहते हैं, where, why, whom, with whom, to whom, right? इस तरीके से हम पूछना पड़ेगा. ठीक है, तुम्हें उससे क्यों बात करनी पड़ती है? तुम्हें उससे क्यों बात करनी पड़ती है? Why do you have to talk to her? तुम्हें उसके साथ क्यों जाना पड़ता है? Why do you have to go with her? तुम्हें रोज नहाना क्यों पड़ता है? Why do you have to take bath every day? तुम्हें कार कैसे चलानी पड़ती है, बताओ मुझे? How do you have to drive car? Tell me. हाँ, तुम्हें किसके साथ मार्केट जाना पड़ता है? With whom do you have to go to market? तुम्हारी मम्मी को उसके घर क्यों जाना पड़ता है? Why does your mother has to go to her place? Why does your mother have to go to his place या her place? Next. तुम्हारी मम्मी को बर्तन क्यों धोने पड़ते हैं? Why does your mother have to wash the clothes? तुम्हारे भाई को पैसा क्यों कमाना पड़ता है? Why does your brother earn money? Why does your brother have to earn money? Have to के बिना मजबूरी नहीं होती है. अगर आपने बोला है why does your brother earn money, तो इसका मतलब है तुम्हारा भैया पैसे क्यों कमाता है. ठीक है, सो ये जो टाइमिंग्स हैं इसका आपको ध्यान रखना है. सो मिस्टेक नहीं करनी है गाइज, और छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें ले डूबेंगी. तो अब हम क्लास 8 पर पहुँच चुके हैं और अब ज़्यादा क्लासेज नहीं बची हैं, और इसके बाद हम कुछ और क्लासेस करेंगे, सेंटेंसेस को मिक्स करेंगे, हार्ड सेंटेंसेस क्रिएट करना सीखेंगे, और वी आर गोना टू स्टार्ट आवर लाइव क्लासेस सून. सो कीप वाचिंग आवर वीडियोस, शेयर आवर वीडियोस, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आने वाली. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद.